अच्छा, जो नेक्स्ट टॉपिक हमने करना था वो था हमारे पास टू वे स्लैब्स। वन वे स्लैब का हमने देखा था, अभी हम देखते हैं टू वे स्लैब्स। इस तरह हमारे पास वन वे स्लैब्स में आपके पास आइसोलेटेड स्लैब्स होती हैं, इस तरह आपके पास टू वे स्लैब में भी आपके पास सिंगल रूम की आइसोलेटेड स्लैब्स भी हो सकती है, और इसी तरह आपके पास कंटिन्यूस टू वे स्लैब्स भी हो सकते हैं। इस तरह भी जिस तरह वन वे स्लैब में था, इसी तरह इसमें भी आपके पास दो मोमेंट आ रहे होंगे, एक आपके पास पॉजिटिव मोमेंट होगा और दूसरा आपके पास क्या होगा उसका नेगेटिव मोमेंट, और नेगेटिव मोमेंट फिर आपके पास वही होगा स्टीयर सपोर्ट पे भी आ रहा होगा और इंटीरियर सपोर्ट पे भी आ रहा होगा। सिर्फ डिफरेंस क्या होगा कि इसमें आपके पास स्टील आपके पास टू वे स्लैब में इंस्टेड ऑफ एक डायरेक्शन जिसमें हम शॉर्टर डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं, इसमें क्या होगा आपके पास दोनों डायरेक्शन आपने स्टील प्रोवाइड करना है, अलॉन्ग द विड्थ भी ऑफ द स्लैब भी और अलॉन्ग ऑफ द स्लैब। स्लैब की एक्स डायरेक्शन में भी आपने प्रोवाइड करना है आपकी उसकी स्टील उसकी और रिइंफोर्समेंट, और इसी तरह आपने उसकी वाई डायरेक्शन में भी आपने उसकी स्लैब के अंदर स्टील भी प्रोवाइड करना है और उसकी रिइंफोर्समेंट भी करनी है, इस तरह उसकी कैलकुलेशन की। तो बाकी मेथड सेम प्रोसीजर सब सेम है, सिर्फ इसमें इतना फर्क है इसके अंदर दोनों साइड पे आपके पास शॉर्टर डायरेक्शन भी और लॉन्गर डायरेक्शन भी स्टील की कैलकुलेशन। फिर हमारे पास जो स्लैब को डिजाइन करने के, वो हमारे पास डिफरेंट पांच टाइप्स के मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है हमारे पास होता है मूवमेंट कोएफिशिएंट मेथड, जो कि हम आज इसको हम आज स्टडी भी करेंगे। दूसरा हमारे पास मेथड होता है डायरेक्ट डिजाइन का मेथड, या हम आप करेंगे आपके पास इसको ऐसी टू क्लास में उसको स्टडी करेंगे। तीसरा हमारे पास होता है इक्विवेलेंट फ्रेम मेथड, और चौथा होता है हमारे पास फाइनाइट एलिमेंट मेथड। ये तीसरा और चौथा दोनों मेथड आप उसको एम एस में स्टडी करेंगे। तो आज की क्लास में या एस पी आर सी वन के कोर्स में आपके पास सिर्फ एक एक मेथड इंक्लूड है, जो हमारे पास कौन सा है मूवमेंट कोएफिशिएंट मेथड। इसमें हम करते क्या हैं कि आपके पास जो मूवमेंट कोएफिशिएंट मेथड है, जो आपके पास मैक्सिमम जो लोड है या जो ग्रेटर परसेंटेज से कह रहे हैं मोर देन 50% लोड है, वो कौन सी डायरेक्शन कैरी करती है शॉर्टर डायरेक्शन। शॉर्टर डायरेक्शन में जो भी आपके पास स्लैब की स्ट्रिप होगी वो आपके पास मैक्सिमम लोड कैरी करेगी, मैक्सिमम का मतलब मोर देन 50%, इट कैन बी 55%, 60%, 70%, जो मैक्सिमम लोड आएगा वो उसके अंदर शॉर्टर डायरेक्शन। और इसी तरह जिस डायरेक्शन में आपके पास लोड ज़्यादा है, तो उस लोड को कैरी करने के लिए आपने उसको रिइंफोर्समेंट या स्टील भी आपकी उसी डायरेक्शन में उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। इनडायरेक्टली मतलब स्टील भी आपको शॉर्टर डायरेक्शन में ज़्यादा प्रोवाइड करना पड़ता है। और जो अब आपके पास जो शॉर्टर डायरेक्शन में स्टील की प्लेसमेंट है, अब आपके पास में स्टील बहुत ज़्यादा हो जाती है, पॉजिटिव मोमेंट दो आ रहे होंगे, नेगेटिव मोमेंट भी आपके पास दो आ रहे होंगे एक्सटीरियर भी और इंटीरियर भी, इस तरह आपके पास टोटल छः मोमेंट्स होते हैं, छः स्टील हो जाते हैं। फिर आपने एक साथ में स्टील इसमें प्रोवाइड करते हैं टेम्परेचर एंड चेंज, तो एक कंजेस्टेड ये सेक्शन बन जाए। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए जो हमारे पास ये है कि जो भी आपके पास शॉर्टर डायरेक्शन में स्टील आएगा वो हमेशा आपके उसको आउटर एज पे क्रीप प्रोवाइड करेंगे, नियर द आउटर एज ऑफ द स्लैब प्रोवाइड करेंगे। उससे क्या होगा कि आपके पास इफेक्टिव डेप्थ ज़्यादा हो जाएगी, इफेक्टिव डेप्थ ज़्यादा होगी उससे क्या होगा उसकी फ्लेक्चर कैपेसिटी ज़्यादा होगी। लैगर कैपेसिटी मतलब मोमेंट की जो आपके पास वैल्यू उसमें क्या होता है एम एन इक्वल टू ए एस एफ वाई इंटू डी माइनस ए बाई टू, तो डी की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा उसके अंदर मोमेंट कैरी करने की कैपेसिटी ज़्यादा होगी। कैपेसिटी करने का ज़्यादा मतलब वो ज़्यादा लोड को रजिस्ट कर सकता है वहाँ पर, जितना ज़्यादा मैक्सिमम लोड को वो रजिस्ट कर सकता है। तो इसलिए जो भी आपके पास डायरेक्शन में आपके पास शॉर्टर डायरेक्शन स्टील होगा हम उसको बिल्कुल नियर द आउटर एज को प्लेस करें। हम ये भी नहीं करते कि स्टील के ऊपर स्टील प्रोवाइड कर उसको एक खास डिस्टेंस के ऊपर रखा जाता है, इसलिए जो आउटर एज के करीब होगा वो हमारा शॉर्टर डायरेक्शन वाला होगा, और जो अवे फ्रॉम द आउटर एज होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा उसका लॉन्गर डायरेक्शन वाला स्टील। तो मोमेंट या कोएफिशिएंट मेथड में आपके पास जो यूनिट विड्थ है वो आपके पास जो कंसिडर करते हैं हम उसको दोनों डायरेक्शन में करते हैं। यूनिट विड्थ मतलब वो जब उसका हमने क्या था 12 इंचज आपने उसको बीम की कंसिडर करते हैं या 12 फीट जिसमें होती है वो आपने दोनों डायरेक्शन में कंसिडर करना है, बोथ एक्स एंड वाई डायरेक्शन वो कंसिडर, कोई बेंडिंग मोमेंट के लिए भी या स्टील एनफोर्समेंट में उसकी वैल्यू भी यूज हो रही है बीम के लिए और बेंडिंग मोमेंट भी यूज हो रही, दोनों डायरेक्शन में आपने इसको यूज करना। और इस तरह आप एसीआई कोड को भी यूज कर सकते हैं डिफरेंट बेंडिंग मोमेंट्स को वेरियस क्रिटिकल सेक्शन में फाइंड आउट करने के लिए, जिसका हमने लास्ट टाइम टेबल्स वाली देखे थे इसके आप उसको यूज कर सकते। और फिर आपके पास जो एज ऑफ द स्लैब होगी वो आपके पास या वाल पे या बीम पे किसी न किसी या कॉलम पे सपोर्टेड होगी, और जो आपके पास सिंपली सपोर्टेड एज है जो आपके पास बीम के ऊपर सपोर्टेड होगी वो आपके पास सिर्फ एक लाइन से शो होगी,
कंटिन्यूस एच जो है हम उसको किसे शो करेंगे, हैचिंग से शो करेंगे सिर्फ ये उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि आपको नेक्स्ट फिगर में ये नेक्स्ट स्लाइड में आ जाएगा तो आप बता देगा। मतलब ये आपके पास क्या है, सिंपली स्पॉटेड एच है। सिंपली स्पॉटेड एच के मतलब क्या है, यहाँ पे आके स्लैब खत्म हो जाती है आपके पास, ये आउटर मोड है। दूसरी साइड पर क्या होगा, हम स्लैब को हैचिंग करके इसको शो कर रहे हैं। हैचिंग मतलब क्या होता है, यहाँ पे कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस का मतलब स्लैब के साथ भी एक और स्लैब कनेक्टेड है, इसी तरह इस डायरेक्शन में भी कनेक्टेड है और इस डायरेक्शन में भी कनेक्टेड है, और इस साइड पर क्या है उसका एच है और इस साइड पर क्या है उसका एच है। इन टक्की इसको समझने के लिए क्या बिल्कुल उसका कॉर्नर है, दो साइड में कंटिन्यूस है, दो साइड में क्या है। अब इस जो कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस है उसके क्या बार बार डिफरेंट 9 केसेस बन जाते हैं। पहले केस में क्या है कि आपके पास सिंपली आइसोलेटेड स्लैब है, जिस साइड पर कोई कंटिन्यूस नहीं है, चारों साइड्स पे आपके पास मतलब डिसकंटिन्यूस है सारा। दूसरे केस में क्या होता है कि आपके पास चारों साइड से आपके पास कंटिन्यूस है, मतलब बिल्कुल सेंटर में स्लैब आपके पास लोकेटेड है, चारों साइड पे उसके स्लैब आ जाती है। तीसरे केस में क्या है, आपके पास स्लैब जो है वो सिर्फ शॉर्टर डायरेक्शन में कंटिन्यूस है। ये कौन सी डायरेक्शन है, शॉर्टर डायरेक्शन है। ए में जो डायरेक्शन है लेंथ है, ये कि आपके पास शॉर्टर है, बी के आपके पास लॉन्गर डायरेक्शन, तो शॉर्टर डायरेक्शन में वो आपके पास कंटिन्यूस। चौथा केस क्या आ जाता है कि आपके पास एक शॉर्टर डायरेक्शन कंटिन्यूस है, एक आपके पास लॉन्गर डायरेक्शन कंटिन्यूस। पांचवें में क्या है कि सिर्फ आपके पास लॉन्गर डायरेक्शन में कंटिन्यूस है, दोनों डायरेक्शन। छठा केस क्या है कि सिर्फ एक आपके पास लॉन्गर डायरेक्शन है। सातवां क्या है कि सिर्फ शॉर्टर डायरेक्शन में कंटिन्यूस, एक सिंगल डायरेक्शन। इसी तरह आपके पास एट्थ केस क्या आ जाता है कि तीन साइड से कंटिन्यूस है और एक साइड से आपके पास डिसकंटिन्यूस है। डिसकंटिन्यूस किस साइड से आ जाए, लॉन्गर राइट से। और नाइन्थ केस क्या है कि आपके पास वही तीन साइड से कंटिन्यूस है लेकिन जो डिसकंटिन्यूस है वो कौन सा है, आपके पास शॉर्टर डायरेक्शन। ये आपके पास 9 डिफरेंट केसेस बन गए। इन केसेस के बेस पे हम आगे पे उसको आगे सेलेक्ट करते हैं उसकी वैल्यू कोफिशिएंट अपने उसमें से क्या लेना, और बाकी इसका वही एक्सपेक्ट रेशियो जब हम इसकी कैलकुलेट करते हैं शॉर्टर टू लॉन्गर या लॉन्गर टू शॉर्टर, तो उससे हम चेक करते हैं कि स्लैब पहले वाकई टू वे स्लैब के अंदर लाइव करती है या नहीं। फॉर जो शॉर्टर डायरेक्शन का स्पैन होगा उसको हम ए से रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं या फिर उसको एल एक्स से भी रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब लेंथ इन एक्स डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन यूज करते हैं कोई शॉर्टर डायरेक्शन, और लॉन्गर स्पैन को आप एल इंटू वाई से रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं या फिर उसको आप पी से भी डोनेट कर सकते हैं डिफ्रेंशिएट करने के लिए। शॉर्टर आपके पास ए से रिप्रेजेंट होगी, लॉन्गर के से होगी पी से, ये सिर्फ डिफ्रेंशिएशन। अब हम उसको डिजाइन जब करेंगे तो उसका मोमेंट की वैल्यूज, एक तो आपको मैंने बताया कि आप उस ACI मोमेंट कोफिशिएंट से ले सकते हो, लेकिन अगर वहाँ से नहीं लेना चाहते हैं तो इसके अंदर क्या होगा, ये फार्मूला आपका यूज होता है m इज इक्वल टू c इनटू w u इनटू l n स्क्वायर। तो इसमें से c क्या होता है आपके पास, बेसिकली c आपके पास क्या कोफिशिएंट है, जो आप इसकी वैल्यू हम कहाँ से लेते हैं, टेबल से लेते हैं। नेक्स्ट में आपको टेबल भी आते हैं, स्लाइड में आपको दिखा दूँ टेबल में, जिसकी वजह से इसका नाम भी क्या है, मोमेंट कोफिशिएंट। तो सी के आपके पास यहाँ पे उसका कोफिशिएंट होता है, उसकी वैल्यू हम टेबल से देखते हैं। दूसरा क्या है, डब्ल्यू जो डब्ल्यू क्या है, वही आपका अल्टीमेट लोड फैक्टर्ड डेल लोड प्लस लाइव लोड के बाद जो रिजल्टेंट लोड आता है उसको हम लेते हैं डब्ल्यू। और एल एन के आपके पास वही क्लियर स्पैन लेंथ का स्केयर, और ये फार्मूला आपके पास हर डायरेक्शन में यूज होता है, चाहे आप इसको लॉन्गर के लिए कैलकुलेट कर रहे हो चाहे आप इसको शॉर्टर डायरेक्शन, दोनों साइड के लिए फार्मूला सेम फार्मूला यूज। सिर्फ इसमें चेंज किस में आ जाता है, आपके पास लॉन्गर स्पैन लेंथ और डिफरेंट होगी, शॉर्टर स्पैन उसकी लेंथ डिफरेंट, सेम भी हो सकती है डिफरेंट भी हो सकती है। उसके बाद लोड जो आओगी आपकी ग्रास वैल्यू वो आपके पास दोनों चाहे शॉर्टर और चाहे लॉन्गर उसमें टोटल जो लोड है वो सेम रहेगा। कोफिशिएंट्स की वैल्यू जो टेबल से हमने सी की वैल्यू पिक करते हैं, ये वैल्यू आपके पास चेंज होती है हर एक कंडीशन, और इसकी वजह से सी की वजह से आपके पास जो कोफिशिएंट्स होते हैं वो भी आपके पास तीन टाइप्स के होते हैं। एक आपके पास गिवन होता है डेड लोड पॉजिटिव मोमेंट की वजह से, दूसरा आपके पास होता है लाइव लोड पॉजिटिव मोमेंट, और तीसरा आपके पास होता है नेगेटिव। दो आपके पास पॉजिटिव मोमेंट्स की वजह से होता है और एक आपके पास नेगेटिव पॉजिटिव मोमेंट के पास दो टाइप्स हैं, डेड लोड पॉजिटिव मोमेंट और लाइव लोड पॉजिटिव, तीसरा हमारे पास नेगेटिव। तो ये आपके पास डिफरेंट टेबल से गिवन होते हैं, गिवन होंगे आपको ऐसे मोमेंट, जैसे टेबल वन है इसमें लिखा हुआ है कोफिशिएंट फॉर नेगेटिव मोमेंट इन स्लैब, ये आपके पास किसके लिए, जो स्लैब के अंदर नेगेटिव मोमेंट आपके स्लैब के। और ये फार्मूला भी इसके अंदर यहाँ पे मेंशन है, एम ए नेगेटिव, ए क्या है मतलब शॉर्टर डायरेक्शन में जो नेगेटिव मोमेंट है उसकी वैल्यू, एम बी नेगेटिव क्या है लॉन्गर डायरेक्शन में जो बी की वैल्यू है नेगेटिव मोमेंट की वैल्यू।
तो ये फॉर्मूला क्या आएगा, सी ए नेगेटिव डायरेक्शन इन टू डब्ल्यू टोटल लोड यूनिफॉर्म फैक्टर डेड प्लस लाइव लोड, डब्ल्यू क्या इसमें टोटल यूनिफॉर्म फैक्टर डेड प्लस लाइव लोड इन टू ए स्क्वायर, ए क्या आपके पास वही स्पैन लेंथ है, आपके पास शॉर्टर डायरेक्शन जो आपको मिल रहा होगा पहले मैंने बताया, और इस तरह एम बी नेगेटिव है नेगेटिव के लिए क्या हो जाएगा सी बी नेगेटिव इन टू डेड फैक्टर लोड और इन टू स्पैन का स्क्वायर या लंबा डायरेक्शन वाली स्पैन की जो भी इसकी लेंथ है उसका स्क्वायर। बाकी अगर आपको नहीं भी याद तो यहाँ पे लिखा भी है क्रॉस हैच्ड इंडिकेट्स दैट द स्लैब कंटिन्यूस, स्लैब क्या वहाँ पे कंटिन्यूस है और मतलब वहाँ पे एक स्लैब जिस तरह की कंटिन्यूस है जो अनफिक्स जो अंडर अनमार्क्ड हैच है उसे क्या मतलब पता है कि वहाँ पे उसकी कोई टॉर्जनल रेजिस्टेंस एंड नेगेटिव वाला है या दूसरे वर्डों में वहाँ पे वो डिसकंटिन्यूस है। इस टेबल में से आपने उसको वैल्यूज कैसे देखनी है, सबसे पहले आप कैलकुलेट करेंगे एम की वैल्यू। एम क्या होती है, आपके पास एक्सपेक्ट रेशियो है जो आपके पास क्या है एम इज इक्वल टू ए ओवर बी, ए आपके पास क्या है लेंथ इन शॉर्टर डायरेक्शन स्लैब लेंथ और बी क्या है स्लैब लेंथ इन लॉन्गर डायरेक्शन। तो आपके पास ये गिवन होगा कि सपोज रूम का साइज 15x12 है तो आप 15x12 एक 15 है एक 12 वैल्यू है, शॉर्टर क्या है 12 डिवाइड बाई 15 करेंगे तो आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी, उस वैल्यू में से आपके इन में से कुछ ना वैल्यू है, जैसे अगर उसकी वैल्यू 12 डिवाइड बाय 15 करें तो आपके पास वैल्यू क्या आती है 3/5.6 आ जाएगी, ये 0.83 वैल्यू आ जाती है कि यहाँ पे उसकी वैल्यू आ जाएगी जो उसके अंदर लाई करती है, सपोज अज्यूमिंग कि उसकी वैल्यू आ जाती है 0.80 वैल्यू आ जाती है, उसका मतलब आपने ये रो यूज करनी है जो उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू आ जाती है, इस रो में से आपने उसके अंदर वैल्यूज पिक कर दी इस पॉइंट ए वाली में से, और फिर आपने डिसाइड आपने पहले करना है कि उसमें से केस कौन सा है, जो भी अज्यूमिंग उसमें से केस 4 बन जाए तो आप उसमें से वैल्यूज क्या आ जाएंगे, तो आपकी कोई तो सी ऊपर वाली कौन सी गिवन है सी ए नेगेटिव के लिए और नीचे वाली वैल्यू किसके लिए गिवन है सी बी नेगेटिव के, सी ए नेगेटिव की और सी बी सी ए नेगेटिव वाली वैल्यू क्या आ जाएगी 0.071, यहाँ पे 0.071 है आप इसको यूज कर लेंगे और साथ जो भी इसका लोड आ रहा है स्पैन है उसको मल्टीप्लाई, इस तरह सी बी नेगेटिव के लिए क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू 0.020 तो इसको 0.020 इनटू लोड इनटू स्पैन लेंथ जो भी इसके लिए यहाँ पे आप यहाँ से आपने इसको टेबल को इस तरह पढ़ना, पहले आप एस्पेक्ट रेशियो फाइंड करेंगे, एस्पेक्ट रेशियो के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपने इसमें से कौन सी रो सिलेक्ट करनी है, रो सिलेक्ट हो जाए तो उसके बाद आपने इसमें से केस का डिसाइड करना है कि 1 to 9 केसेस में से कौन सी केस आपकी आपका केस कौन सा बना है, तो फिर आपने उसमें से चेक करना है कि आपने वैल्यू वहाँ से कौन सी पिक करनी है। इस तरह ये आपके पास 3 सी होती हैं तो टेबल भी आपके पास 3 होंगे, पहला टेबल आपके पास नेगेटिव मोमेंट्स इन स्लैब के लिए था, दूसरा आपके पास टेबल है डेड लोड पॉजिटिव मोमेंट्स के लिए, डेड लोड पॉजिटिव और इसमें भी आपके पास वही सी ए डेड लोड कोएफिशिएंट इनटू सी बी डेड लोड कोएफिशिएंट इनटू डब्ल्यू इनटू ए स्क्वायर इनटू बी स्क्वायर, इससे वैल्यू क्या आ जाएगी एम ए पॉजिटिव मोमेंट आ जाएगा ड्यू टू डेड लोड और एम बी पॉजिटिव मोमेंट ड्यू टू डेड लोड, लेकिन इसमें डब्ल्यू क्या है वो आपका सिर्फ यूनिफॉर्म फैक्टर डेड लोड लेना है, इससे मतलब आपने वो नहीं लेना सिर्फ आपके पास जो भी डेड लोड आता है उसको 1.2 से मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद जो आंसर आ जाएगा वो आपने यहाँ पे डब्ल्यू की जगह यूज किया है, फैक्टर डेड लोड है ओनली, इसमें आपके पास टोटल यूनिफॉर्म फैक्टर डेड प्लस लाइव नहीं है, पहले कुछ टेबल में क्या था आपके पास डेड प्लस लाइव लोड था, तो आप जब नेगेटिव मोमेंट आएंगे तो उसमें दोनों डेड और लाइव लोड दोनों इंक्लूड, जब आपने डेड पॉजिटिव मोमेंट देखना है तो उसके लिए सिर्फ आपने डेड लोड लिया है, इस तरह जब आप लाइव लोड का देखेंगे तीसरे टेबल में तो आपने सिर्फ वहाँ पे फैक्टर लाइव लोड ही है, जैसे कोफिशिएंट फॉर लाइव लोड मोमेंट इन स्लैब्स तो एम ए पॉजिटिव ड्यू टू लाइव लोड क्या हो जाएगा सी ए लाइव लोड या डेड लोड जो किसको कहते हैं इनटू डब्ल्यू इनटू ए का स्क्वायर, तो लाइव लोड के लिए सिर्फ आपने लाइव लोड को फैक्टर करना है, डेड लोड के लिए आपने सिर्फ डेड लोड को फैक्टर करना है, बाकी आप सब टेबल्स को उसी तरह अगर एक टेबल में वैल्यू 0.80 आ रही है तो सब में वैल्यू उसकी 0.80 ही यूज हो रही है, और आगे आपके पास डिपेंड करता है केस अगर सब में 4 है तो सब में केस क्या होगा 4 ही होगा, तो आप 4 वाली वैल्यू सब के अंदर पिक करेंगे, उसके बाद आप वैल्यूज को यूज करके फर्दर आगे कैलकुलेशन, ये जो आप कोफिशिएंट्स आपके पास जो एनालिसिस आएगा ये आपके पास अप्रोक्सीमेट स्लैब एनालिसिस होता है जिसमें आपके पास लोडिंग पैटर्न डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोमेंट्स और ये आपके पास डिफरेंट फ्रैक्शन टू फेस ऑफ सपोर्ट्स पे डिपेंड, तो वहाँ पे लोडिंग का पैटर्न क्या है मूवमेंट्स के साथ डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं या आपके पास
स्पोर्ट्स आपके पास किस तरह अफेक्ट प्रैक्टिस है, और इसी तरह हार्ड टेबल के अंदर क्या चेसेज हैं, एज कंडीशन या मतलब एज मतलब एंड कंडीशन के लिए अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी, और रेशियो ऑफ शॉर्ट ऑफ स्पैन अलॉन्ग वर्टिकल डायरेक्शन। लॉन्गर डायरेक्शन में आपके पास क्या है कंडीशन है, डिफरेंट केसेज हैं, और लॉन्गर डायरेक्शन में क्या आपके पास रेशियो है, रेशियो ऑफ शॉर्ट, किसकी रेशियो है शॉर्ट टू लॉन्ग स्पैन, इसको मिक्स नहीं करना। टेबल जितने भी गिवन है वो सारे गिवन है शॉर्ट टू लॉन्ग डायरेक्शन में, एक्सपेक्ट रेशियो करते हुए उल्टा नहीं कर देना कि पहले आप लॉन्ग लिखो उसको फिर डिवाइड कर दो शॉर्ट, ये गलती नहीं करनी। आपके पास वर्टिकल जो डायरेक्शन है एक्सपेक्ट रेशियो गिवन है, और जब ये मोमेंट्स की वैल्यू आ जाए तो उसके बाद आपने जस्ट लाइक बीस मोमेंट का फॉर्मूला यूज करके या क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है एरिया ऑफ एनफोर्समेंट वो यूज करके आपने इसके अंदर एरिया ऑफ स्टील निकाल लें, एरिया ऑफ स्टील आ गया उसके बाद आपने वन वे स्लैब की उसकी स्पेस निकाल लें। तो जो जेनेरिक इसका प्रोसीजर है तो उसमें क्या करना है, सबसे पहले आपने एक्सपेक्ट रेशियो निकाल लें, जब भी आपने टू वे स्लैब को डिजाइन करना है या वन वे स्लैब को डिजाइन करना है सबसे पहले आप इसकी एक्सपेक्ट रेशियो फाइंड आउट करें। एक्सपेक्ट रेशियो क्या होती है, लॉन्गर शॉर्टर डायरेक्शन डिवाइड बाई लॉन्गर डायरेक्शन, और डिसाइड करना है कि वहाँ पे आपके पास स्लैब कौन सी आ रही है, वन वे है या टू वे। अगर इस एम की वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल टू 0.5 है तो ये क्या है आपके पास टू वे, इससे भी पता चल जाएगा। देखिए ये टेबल यहाँ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0.5 से स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद 0.55, 0.60 से लेकर कहाँ तक जा रहा है, 1 तक जा रहा है, 0.5 से नीचे यहाँ पे कोई वैल्यू है ही, मतलब कि टू वे स्टार्ट ही कहाँ से होता है 0.5 से, इसकी वैल्यू ग्रेटर होगी। तो जब भी एम की वैल्यू मोर देन 0.5 होगी तो आपके पास वो क्या होगी टू वे स्लैब, अगर 0.5 से कम आ रही है तो उसका मतलब क्या वो वन वे स्लैब है। जब ये डिसाइड हो जाए उसके बाद आपने मिनिमम थिकनेस फाइंड आउट करनी है, चाहे आप वन वे जिसका आप वन वे स्लैब तक फाइंड आउट कर रहे थे, अगर आप उसको राउंड अप करने की अगर रिक्वायरमेंट है तो आप उसको राउंड अप करेंगे, अगर नहीं है तो एग्जैक्ट फिगर मतलब 6.5 भी आ जाती है तो उसको राउंड अप करने की जरूरत। उसके बाद आपने उसके फैक्टर डेड लोड भी फाइंड करने हैं, फैक्टर लाइव लोड भी फाइंड करने हैं, और टोटल फैक्टर लोड भी फाइंड करने। वन वे स्लैब हो तो उसमें क्या होता है सिर्फ हम टोटल फैक्टर लोड फाइंड कर देते हैं, लेकिन अब इस केस में क्या होगा टू वे स्लैब के लिए हमें फैक्टर डेड लोड सेपरेट फाइंड आउट करना पड़ेगा, लाइव लोड फैक्टर फैक्टर सेपरेट यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये फार्मूले में अलग अलग यूज हो रहा होता है इसलिए इसकी कैलकुलेशन भी अलग अलग करनी पड़ेगी। उसके बाद हमने जो नेक्स्ट स्टेप है टू वे स्लैब के लिए क्या करना है, स्लैब का पैनल ड्रा करना है, जिसमें हमारे पास उसकी इंटरनल डायमेंशन हमें पता हूँ और उसकी एंड कंडीशंस बताऊँ, वहाँ पर स्लैब कौन सी कंटिन्यूस है कौन सी डिसकंटिन्यूस है, उनकी बेसिस पे हमने स्लैब का केस डिसाइड करना है कि स्लैब का केस कौन सा बन गया 1, 2, 9। तो जब हमारे पास केस डिसाइड हो जाए उसकी एक्सपेक्टेशन हमने पहले फाइंड आउट की होती है, और उसके बाद हम उसमें से कोएफिशिएंट्स फाइंड करेंगे वो दोनों डायरेक्शन के लिए, लॉन्गल के लिए भी और शॉर्टर डायरेक्शन के लिए। तो जब मोमेंट आ जाए कोफिशिएंट्स आ जाए तो उसके बाद हमने मोमेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो उसका गिवन फार्मूला था C×W×2 दोनों डायरेक्शन के लिए। इसके बाद आप एरिया ऑफ स्टील कैलकुलेट करेंगे, एरिया ऑफ स्टील के बाद आप मिनिमम स्टील चेक करेंगे या आप उसको कह दें टेम्परेचर एंड चिनिटी स्टील चेक करेंगे, और उसके बाद उसकी मैक्सिमम स्पेसिंग चेक करेंगे या आपने स्पेसिंग निकाली उसके बाद उसकी फाइनल आउट। तो जो इस केस में क्या था जेनेरिक जो टू वे स्लैब में हम करते हैं जो नेगेटिव मोमेंट होता है आपके पास उसे आपके पास जो मोमेंट कोएफिशिएंट होता है उसमें क्या होता है वो कंटिन्यूस एज के लिए आ रहा होता है, मतलब इंटीरियर सपोर्ट पे आ रहा होता है, क्योंकि एक्सटीरियर सपोर्ट पे जो आपके पास या डिसकंटिन्यूस एज पे जो पास आपने नेगेटिव मोमेंट लेते हैं वो आपके पास कितना लिया जाता है 1/3 ऑफ दी पॉजिटिव, मतलब जो भी स्लैब के अंदर पॉजिटिव मोमेंट आ रहा है उसका 1/3 लें उतना मोमेंट आप या उतना स्टील आपने स्लैब के एक्सटीरियर एज पे या आप मतलब स्लैब बिल्कुल डिसकंटिन्यूस आ रही है और वहाँ पे आप इसको प्रोवाइड करना। इसकी अगर एग्जांपल देख लें या एग्जांपल से पहले अगर क्वेश्चन है तो पूछ लो फिर स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल हमें क्या गिवन है, एक मोनोलिथिक रेनफोर्स कंक्रीट फ्लोर है जो इसमें आपके पास कंपोज किससे है रेक्टेंगुलर बेस है, रेक्टेंगुलर बेस मतलब वहाँ पे रेक्टेंगुलर स्लैब्स हैं, इसकी मेजरमेंट कितनी आ रही है 21/26 फीट आ रही है पैनल्स की है,
एज टॉन एंड फिगर, इस तरह ये फिगर में यहाँ पर बताया गया है कि एक लेंथ उसकी कितनी है 21 फीट है और दूसरी लेंथ उसकी कितनी है 26 फीट है, और बीम्स ऑफ विड्थ 12 इंचेस एंड डेप्थ 21 इंचेस आर प्रोवाइडेड ऑन ऑल कॉलम लाइंस। सो चारों साइड पे आपके पास बीम्स प्रोवाइडेड हैं जिनकी विड्थ कितनी है 12 इंचेस है और बीम की डेप्थ कितनी है 24 इंचेस, मतलब बीम्स आपको 12x24 की बीम्स प्रोवाइडेड है स्लैब के बॉटम पे। इन बीम्स की वजह से आपके पास जो स्लैब का क्लियर स्पैन जो डायमेंशन रखती है वो आपके पास इंस्टेड ऑफ 21 to 26 फीट से कितनी रिड्यूस हो जाती है 25 feet. और इसमें हमने कंक्रीट यूज़ करनी है फॉर 3000 PSI और एनफोर्समेंट यूज़ करनी है 60,000 PSI स्ट्रेंथ। और फाइंड आउट क्या करना है, आपने स्लैब की थिकनेस फाइंड आउट करनी है और उसके अंदर रेनफोर्समेंट कितनी यूज होनी चाहिए वो आपने फाइंड आउट। आपके पास एक कॉर्नर पैनल गिवन है जिससे आप पता चल रहा है कि ये स्लैब क्या है, दो साइड से कंटिन्यूस है दो साइड से डिसकंटिन्यूस है, मतलब यहाँ पर ये जो टेढ़ी मेढ़ी लाइन है ये क्या शो कर रही है कि आपके पास स्लैब के यहाँ पे कंटिन्यूस है स्ट्रक्चर में भी और स्ट्रक्चर में भी। और आपके पास जो इनिशियली पैनल की लेंथ ये होती है वो होती है आपके पास सेंटर टू सेंटर ऑफ द कॉलम या सेंटर टू सेंटर ऑफ द बीम से गिवन, तो कितनी थी 21x26 फीट। तो जो आप उसको क्लियर स्पैन निकालेंगे ये मतलब जो इनर टू इनर कॉलम या इनर टू इनर बीम जो उसकी एक्चुअल डायमेंशन रह जाती है वो कितनी आज बन जाती है डायरेक्शन लेंथ डिवाइडेड बाई लॉन्गर डायरेक्शन लेंथ। शॉर्टर हमारे पास कितनी थी 20 फीट और लॉन्गर में कितनी थी 25 फीट। 20 डिवाइड बाई 25 उसकी वैल्यू आ रही थी 0.8 आ रही है। ये 0.8 की वैल्यू मोर देन 0.5 है तो इसका मतलब क्या है ये आपके पास टू वे स्लैब है। उसके बाद अब स्टेप टू में हम देख सकते थिकनेस ऑफ द स्लैब, तो जब भी आपके पास टू वे स्लैब आ जाए तो उसकी आपने थिकनेस निकालनी होती है पेरीमीटर बाय 180 से। इस तरह वन वे स्लैब्स के लिए हम टेबल से वैल्यू जो आप देखते थे, टू वे स्लैब के लिए हमने जो फार्मूला यूज करता थिकनेस ऑफ द स्लैब की यूज करता पेरीमीटर डिवाइड बाय 180। तो ये पास रेक्टेंगुलर स्लैब थी तो रेक्टेंगुलर रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर क्या होता है 2 × लेंथ प्लस वेथ, या आसान अल्फाज में पेरीमीटर आपके पास बेसिकली होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। तो दो आपके पास 25 की साइड्स हैं, दो आपके पास 20 की साइड्स हैं, हम सबको सम अप कर दें डिवाइड बाय 180 करें और उसको 12 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्योंकि ये डायमेंशन कितनी में आ रही है 20 फीट और 25 फीट दोनों फीट्स में, उसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास स्क्वायरिंग आ जाएगी इंच में आ जाएगी, तो एग्जैक्ट आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी 6 इंच। अब इसको राउंड अप करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एग्जैक्ट फिगर आ गया आपके पास। स्टेप थ्री था आपके पास डेल लोड, डेल लोड के लिए हमारे पास हुई था पहले सेल्फ वेट आ जाएगा, सेल्फ वेट क्या आ जाएगा BH बाय 144 इंटू डेंसिटी ऑफ कंक्रीट, तो B हमारे पास कितना है 12 जो हम आपके पास बीम की जो वेट होती है 12 इंटू एच हमने ये कैलकुलेट किया थिकनेस ऑफ द स्लैब 6 इंच डिवाइड बाय 144 इंटू 0.25 की वैल्यू आ जाएगी 0.075 किप्स पर फीट आ जाएगी। इसी तरह मैंने आपको बताया था कि डेड फैक्टर लोड आपने अलग कैलकुलेट करना है, तो डेड फैक्टर लोड क्या हो जाएगा 1.2 टाइम्स इंटू, क्योंकि कोई और लोड गिवन ही नहीं है सिर्फ सेल्फ वेट है, तो क्या आ जाएगा 1.2 टाइम्स इंटू 0.075 वैल्यू आ जाएगी 0.09 किप पर फीट आ जाएगी। इस तरह लाइव लोड के लिए करेंगे तो उसमें क्या आ जाएगा फैक्टर लोड 1.6 इंटू लाइव लोड कितना गिवन था 137 पाउंड पर स्क्वायर फीट था, तो उसको हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो उसमें आ जाएगा पाउंड के पर फीट में आ जाएगा। फीट में कैसे आ गया वो आपके पास 12 इंच था, 1 इंच के लिए हम उसको 12 इंच से मल्टीप्लाई करते हैं या 1 फीट से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके आंसर क्या आ जाएगा 0.22 किप्स पर फीट आ जाएगा।
अगर टोटल अल्टीमेट लोड जो हो जाएगा वो क्या देगा आपके पास, आप कितने पर फैक्टर पहले लगा लिया तो ये क्या देगा, सिंपल टेल लोड प्लस लाइव लोड, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 0.31 के बाद फिर 0.22 को ऐड करेंगे 0.09 में तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 0.31 के बाद फिर आ जाएगी। स्टेप फोर था कि हमने उसमें देखना है कि हमारे पास स्लैब कौन सी है और उसके कोफिशिएंट हमने उसमें से फाइंड आउट करने हैं। हमारे पास अभी ये स्लैब केस कौन सा हमारे देखें, एक डायरेक्शन शॉर्टर डिसकंटिन्यूस है और एक शायद आपके पास लॉन्गर डिसकंटिन्यूस। तो ये भैया हमारे पास डिफरेंट 9 केसेस थे। इस केस में ये हमारे पास केस 4 है जिसमें क्या है आपके पास एक शॉर्टर कंटिन्यूस और एक आपके पास लॉन्गर कंटिन्यूस, तो दो कंटिन्यूस थी दो डिसकंटिन्यूस, तो ये हमारे पास कौन सा केस बन गया, केस 4 बन गया। तीनों टेबल में से पहला टेबल किसके लिए था हमारे पास, नेगेटिव मोमेंट्स के लिए, दूसरा आपके पास ये वन था पॉजिटिव मोमेंट ड्यू टू डेल लोड, तीसरा आपके पास ये वन था पॉजिटिव मोमेंट ड्यू टू लाइव लोड। पहले में से हम केस 4 में से 0.8 किया केस थे, तो क्या वैल्यू ये टेबल 4 था, टेबल 4 में आपने जाना है 0.8, पहले हम इसको सेलेक्ट किया 0.8 और केस 4 में जाए तो इसकी वैल्यू ये आ रही है 0.071 और 0.020। एक भी आपके पास किसके लिए है, नेगेटिव मोमेंट इन स्लैब्स, सी ए की वैल्यू 0.021 है और सी बी की वैल्यू 0.020 है। ये आपके पास सी ए की वैल्यू क्या आ गई 0.071 और सी बी की वैल्यू क्या आ गई 0.029। इसी तरह आप दूसरे टेबल में से देखेंगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 0.039, 0.016, 0.018 और 0.02। सारी वैल्यूज आपके टेबल में से आ गए, जब ये वैल्यूज आ जाए उसके बाद आपने उसके अंदर से मोमेंट कैलकुलेट करना है। मोमेंट आप उनके मैनुअली भी कैलकुलेट कर सकते हो, दूसरा आप इसको टेबल की फॉर्म में बना के भी इसको कैलकुलेट कर सकते हो। सिंपल टेबल आप किस तरह बनाएंगे, आपके पास पहले आपके पास आ जाएगी मोमेंट्स की टाइप, मोमेंट इसमें क्या थे 3 टाइप्स के थे, नेगेटिव मोमेंट के थे, पॉजिटिव मोमेंट ड्यू टू डेल लोड और पॉजिटिव मोमेंट ड्यू टू लाइव लोड। फिर हमारे पास स्पैन था तो शॉर्टर डायरेक्शन स्पैन दो आपके पास नेगेटिव मोमेंट आ जाएंगे, इसी तरह दोनों जो आपके पास डायरेक्शन में पॉजिटिव मोमेंट डेल लोड की वजह से भी दो स्पैन होंगे, शॉर्टर में अपना मोमेंट आएगा, लॉन्गर में अपना आएगा, लाइव लोड की वजह से शॉर्टर में अपना मोमेंट आएगा और लॉन्गर में अपना मोमेंट आएगा। उसके बाद कोफिशिएंट्स की वैल्यूज जो हमने पीछे लास्ट टाइम में कैलकुलेट की थी वो आपने यहाँ पे कोफिशिएंट्स की वैल्यूज रिपीट कर दी, 6 के 6 कोफिशिएंट्स वैल्यूज यहाँ पे आ गई। उसके बाद अपने स्पैन लेंथ हमें पता है कि शॉर्टर डायरेक्शन में कितनी है 20 फीट है, लॉन्गर डायरेक्शन में कितनी है 25 फीट। उसके बाद आपके पास गिवन था फैक्टर लोड, नेगेटिव मोमेंट के लिए आपके पास कौन सा यूज होता है अल्टीमेट या टोटल फैक्टर लोड हमारे पास यूज होता, उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी थी 0.31, चाहे शॉर्टर हो चाहे लॉन्गर हो आपके पास उसकी वैल्यू सेम रहती है लोड की वैल्यू। इसी तरह डेल लोड जो फैक्टर डेल लोड मोमेंट था वो कितना था 0.09 और लाइव के लिए कितना था 0.02। इसको यूज़ करेंगे ये फैक्टर मोमेंट भी आ गए। उसके बाद आपने मोमेंट फाइंड करना है, मोमेंट क्या था हमारे पास फार्मूला उसका, इस कोफिशिएंट मल्टीप्लाई बाय डेल लोड मल्टीप्लाई बाय स्पैन का स्क्वायर, मतलब 20 का स्क्वायर। तो आप 0.071 को 0.31 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसको 20 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास टोटल जो मोमेंट आ जाएगा उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 8.804 के फीट आ जाएगी। इसी तरह आप जब ए की वैल्यू आ जाएगी आपने जो 6 के 6 वैल्यूज का कैलकुलेट करना, सी को मल्टीप्लाई करना है फैक्टर लोड से और उसको स्पैन के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये 6 मोमेंट्स की वैल्यूज आ जाएगी। जब ये 6 के 6 वैल्यूज आ जाएंगी उसके बाद हमारे पास जो इंटीरियर सपोर्ट पे है मोमेंट आपके पास जो होगा नेगेटिव मोमेंट, क्योंकि नेगेटिव मोमेंट हमारे पास एक ही है, पॉजिटिव मोमेंट हमारे पास 4 आ रहे हैं, पॉजिटिव मोमेंट ड्यू टू डेड लोड शॉर्टर डायरेक्शन, पॉजिटिव मोमेंट ड्यू टू डेड लोड लॉन्गर डायरेक्शन, पॉजिटिव मोमेंट ड्यू टू लाइव लोड इन शॉर्टर डायरेक्शन, पॉजिटिव मोमेंट ड्यू टू लाइव लोड इन लॉन्गर डायरेक्शन। तो शॉर्टर डायरेक्शन का मोमेंट जो होगा वो आपके पास एज इट इज आ जाएगा दोनों,
जो आपके पास नेगेटिव मोमेंट इन शॉर्टर डायरेक्शन एंड लॉन्गर डायरेक्शन है. अब पॉजिटिव मोमेंट इन शॉर्ट स्पैन एट मिड स्पैन, मिड स्पैन में पॉजिटिव मोमेंट क्या होने आपके पास एड अप हो जाएंगे. इस वैल्यू पॉजिटिव मोमेंट शॉर्टर डायरेक्शन 0.404 और दूसरा पॉजिटिव मोमेंट हमारे पास कितना है शॉर्टर डायरेक्शन में 4.224. ये दोनों मोमेंट्स ऐड अप हो जाएंगे. तो ये बेसिकली क्या है, दोनों पॉजिटिव मोमेंट ही है और दोनों आपके पास शॉर्टर डायरेक्शन है. सिर्फ लोडिंग का डिफरेंस है, एक लाइव लोड की जगह एक लाइव लोड की जगह, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 5.628. इसी तरह आप पॉजिटिव मोमेंट इन लॉन्गर स्पैन में भी देख लेंगे, उसमें क्या हो जाएगा आपके पास जो लॉन्गर स्पैन में मोमेंट है वो दोनों ऐड अप हो जाएंगे, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 3.658 हो जाएगी. उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो आपके पास एक्सटीरियर स्पोर्ट है या एंड स्पोर्ट है उस पर जो आपने नेगेटिव मोमेंट लेना होता है वो क्या होता है आपके पास 1/3 ऑफ द पॉजिटिव मोमेंट. तो 1/3 इंटू पॉजिटिव मोमेंट हमारे पास यहाँ पे कितना है 5.628, उसको आप 3 पे डिवाइड करेंगे तो उसकी वैल्यू भी आ जाएगी 1.876 इन शॉर्टर डायरेक्शन. और इस तरह लॉन्गर डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे 1/3 इंटू 3.65, उसको 3 पे डिवाइड करेंगे तो उसकी वैल्यू भी आ जाएगी 1.2178. अभी हमारे पास क्या मोमेंट होगी, एक मोमेंट नेगेटिव मोमेंट हो गया जो आपके पास इंटीरियर स्पोर्ट है, दूसरा आपके पास पॉजिटिव मोमेंट हो गया जो होगा आपके पास मिड स्पैन, तीसरा आपके पास नेगेटिव मोमेंट था जो आपके पास एक्सटीरियर स्पोर्ट हो गया. तो ये वही 3 मोमेंट हो गए जो आपके पास वन वे स्लैम में इंटर किया यहाँ पे. जब ये मोमेंट आ जाए आपके पास तो उसके बाद आपने उसमें से रिइंफोर्समेंट कैलकुलेट करनी है, और रिइंफोर्समेंट कैलकुलेट करने के बाद आपने उसमें स्पेसिंग कैलकुलेट करनी है. तो रिइंफोर्समेंट आपके लिए यूज़ करेंगे तो उसके लिए आप वही क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर लेंगे, यू और फाई इज इक्वल टू एस एफ वाई माइनस ए स्क्वायर एफ वाई स्क्वायर और 1.7 एफ प्राइम सी बी. इस फार्मूले को आप क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में वैल्यूज पुट करेंगे, फाई आप वही 0.9 यूज करेंगे, एम यू आपके पास जो भी यहाँ पर आपके पास वैल्यू आ रही है जैसे इसके 8.804 है इंटू 12 वही इंचेज में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाई 0.9 इक्वल टू ए एस एफ वाई डी. डी आपने इसमें क्या लेना है वही जो भी आपके पास एच है उसमें से माइनस कर देंगे तो आपके पास डी आ जाएगा. और डी आपने यहाँ पे जो यूज़ करना है वो कितना है 12 इंचेज यूज करना है, उसको यूज़ करेंगे तो आपके पास जो रिइंफोर्समेंट की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 0.43 इंच स्क्वायर आ जाएगी रिइंफोर्समेंट. इसी तरह आपके पास ये 6 रिइंफोर्समेंट की वैल्यू आ जाएगी हर एक ट्रैक हर स्पैन में लॉन्गर स्पैन में भी लॉन्गर करेंगे 6 मोमेंट्स आ जाएंगे आपके पास. उसके बाद आपने उसके अंदर एक्चुअल रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करनी है, वो आप कहाँ से देखेंगे वो आप टेबल में से देखेंगे 0.43 से ग्रेटर जो भी वैल्यू आपने वहाँ पर प्रोवाइड करनी है. सपोज जो टेबल से जब उसकी वैल्यू देखता हूँ वैल्यू आती है 0.46 और वो कहाँ पे आ रही होती है, वो आ रही होती है नंबर 5 बार एट 8 इंच सेंटर टू सेंटर. ये आपके पास टेबल में से वैल्यू आ जाएगी जहाँ से आप रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं. ये सारी जितनी भी वैल्यू है पहली दूसरी तीसरी चौथी पाँचवीं छः की 6 वैल्यूज वहाँ से आ जाएंगी. उसके बाद आपने इसमें से चेक लगाना है कि मिनिमम स्पेसिंग का, तो मिनिमम स्पेसिंग का जो चेक है वो गिवन है एसीआई 7.12.2.1 के अंदर, वही आपका 3 times 2 times ऑफ एच और 18 इंचेस. वन वे स्लैब के लिए 3H था, 3 times ऑफ थिकनेस ऑफ द स्लैब लेते हैं, तो 2 वे स्लैब के लिए हम 2 times ऑफ थिकनेस ऑफ द स्लैब और 18 इंच लेते हैं. 2 × 6 12 हो जाएगा या 18 इंच. दूसरी वैल्यू मतलब आपके पास क्या हो जाएगी स्पेसिंग की 12 इंचेज हो जाएगी. अगर 12 इंच आ रही है दूसरी आपके पास कोर्ट से जो भी वैल्यू आ रही है तो वो प्रोवाइड आपने यहाँ से करनी है. लेकिन जब आप उसमें से कैलकुलेशंस करेंगे कोर्ट के अंदर देखेंगे तो ये वैल्यू जब आप फार्मूले से देखेंगे तो उसकी वैल्यू आ रही होगी 0.009. तो लेकिन हमें जो कोर्ट कहता है जो मिनिमम आपने उसके अंदर स्टील का फार्मूला लगाना है मिनिमम रिइंफोर्समेंट का 0.0018 BH वाला, तो उससे जब सॉल्व करेंगे तो उससे वैल्यू उसकी क्या आ रही होगी 0.13. तो आप इसको मिनिमम से कम प्रोवाइड नहीं कर सकते रिइंफोर्समेंट, इसलिए आपने उसके अंदर जो आपके पास 0.13 वैल्यू है वो आपने प्रोवाइड करेंगे. यहाँ पर मैंने रिपीट भी किया टेम्परेचर रिइंफोर्समेंट है एस मिनिमम क्या है 0.0018 BH, इसकी वैल्यू यहाँ से कितनी आती है 0.13 इंच स्क्वायर. मतलब जितनी भी वैल्यूज टेबल के अंदर 0.13 से कम है उन सबको आपने रिप्लेस कर देना है 0.13 से. उसके बाद आपने इसकी स्पेसिंग निकालनी है तो स्पेसिंग की वैल्यू क्या आ गई नंबर 3 बार एट द रेट ऑफ 10 इंच सेंटर. जब स्पेसिंग आ गई तो एट द एंड आपने उसका फाइनल स्केच शो करना. फाइनल स्केच क्या आपके पास वही आपके पास आपके
जो एंड ऑफ दी बार है, एक्सटीरियर सपोर्ट पे आपके पास बार्स मिडिल स्पैन पे बार्स आ जाएंगी, और इसी तरह आपके पास इंटीरियर सपोर्ट पे या कंटिन्यूस पे आ जाएंगे जो बार आप स्लैब से बाहर एक्सटेंड कर रही है, उसका मतलब क्या है जो आप स्लैब पे है कंटिन्यूस। इसी तरह आपके पास डोर एनफोर्समेंट होगी, पॉजिटिव मोमेंट एनफोर्समेंट, मेन